हेलो, माय सेल्फ कांता चौधरी। हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा जो स्टीम टर्बाइन्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। हमने अभी तक जो पढ़ा इम्पल्स टर्बाइन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन टर्बाइन। अ टर्बाइन इन विच स्टीम प्रेशर डिक्रीजेज ग्रेजुअली वाइल एक्सपेंडिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड्स एज वेल एज द फिक्स ब्लेड इज नोन एज रिएक्शन टर्बाइन। वो टर्बाइन जिनमें जो स्टीम प्रेशर है वो डिक्रीज होता है मूविंग ब्लेड्स में भी एज वेल एज फिक्स ब्लेड्स में भी। ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस था इम्पल्स टर्बाइन के बीच में और रिएक्शन टर्बाइन के बीच में, कि जो प्रेशर ड्रॉप है इम्पल्स टर्बाइन में प्रेशर ड्रॉप सिर्फ नोजल्स में होता है, मूविंग ब्लेड या जो गाइड ब्लेड्स होती हैं उनमें किसी भी तरीके का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। तो प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल्स, जबकि जो रिएक्शन टर्बाइन होते हैं उनमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो नोजल्स में भी होता है और ब्लेड्स में भी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस, ईच स्टेज कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। हर जो स्टेज है ये कई सारे स्टेजेस से मिलकर बना होता है, जिसमें हर स्टेज में फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स का कई सेट लगे होते हैं। द हीट ड्रॉप टेक्स प्लेस थ्रू आउट इन बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, और जो हीट ड्रॉप है वो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों में होता है। नो नोजल आर प्रोवाइडेड इन ए रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में कोई नोजल प्रोवाइडेड नहीं होता, जबकि इम्पल्स टर्बाइन में नोजल दिए हुए होते हैं। द फिक्स ब्लेड एक्ट बोथ हैज नोजल इन विच वेलोसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज एंड डायरेक्ट द स्टीम टू एंटर द रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड्स। इसमें जो फिक्स ब्लेड्स होती हैं वही नोजल का भी काम करती हैं तब जब उसे वेलोसिटी इंक्रीज करती हैं या प्रेशर ड्रॉप करती हैं, और जो स्टीम एंटर हो रही है मूविंग ब्लेड्स के रिंग में उसे डायरेक्शन भी देती हैं। एज प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस बोथ इन फिक्स एंड मूविंग ब्लेड्स, जो प्रेशर ड्रॉप है वो मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड दोनों में टेक्स प्लेस कर रहा है। ऑल द ब्लेड्स आर नोजल्स शेप्ड, तो सारी के सारी जो ब्लेड्स होती हैं वो नोजल की शेप में ही होती हैं। द स्टीम एक्सपेंड्स वाइल फ्लोइंग ओवर द मूविंग ब्लेड एंड दस गिव्स रिएक्शन टू द मूविंग ब्लेड। जो स्टीम होती है वो एक्सपेंड होती है मूविंग ब्लेड्स पर, इसलिए जो मूविंग ब्लेड्स है वो रिएक्शन जनरेट करती हैं। हैंस द टर्बाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टर्बाइन, और इसीलिए ये टर्बाइन जो है वो रिएक्शन टर्बाइन कहलाता है। द फिक्स ब्लेड्स आर अटैच टू केसिंग वेयर एज मूविंग ब्लेड्स आर फिक्स्ड विद रोटर। जो फिक्स ब्लेड्स होती हैं वो केसिंग के साथ में अटैच होती हैं, जबकि जो मूविंग ब्लेड्स होती हैं वो रोटर के साथ में अटैच होती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सन रिएक्शंस टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन को पार्सन रिएक्शन टर्बाइन भी कहते हैं, और इम्पल्स टर्बाइन को क्या कहते हैं, कर्टिस रेटिव टर्बाइन्स भी कहते हैं। दिस इज द एंथैल्पी ड्रॉप और चेंज इन एंट्रोपी, फिक्स ब्लेड्स एंड मूविंग ब्लेड्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम इन स्टेज पर पेयर, हर पेयर में जो वर्क डन होता है पर केजी ऑफ स्टीम इन द स्टेज वो कितना होगा, यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। यू क्या है, यहाँ यू है रोटर की वेलोसिटी, वी डब्ल्यू वन एंड वी डब्ल्यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एंट्रेंस एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट। द वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम पर सेकेंड इन द स्टेज, अब वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम पर सेकेंड, अभी तक क्या था पर के जी ऑफ स्टीम पर स्टेज, लेकिन अब क्या है वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम पर सेकेंड इन पर स्टेज इज इक्वल्स टू एम यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे एम जो है वो मास ऑफ स्टीम फ्लोइंग ओवर द ब्लेड है, के जी पर सेकेंड में मास फ्लो रेट। पावर डेवलप्ड एम यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन 1000 किलोवाट। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम इन द स्टेज पर पेयर अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज पर पेयर।
जो एफिशिएंसी है वो रेशियो होगा वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम इन द स्टेज के लिए और एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज पर पेयर के लिए। तो फॉर्मूला जब बनाएंगे दैट इज़ यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन 1000 इंटू एच। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है डिग्री ऑफ रिएक्शन। द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द एंटायर स्टेज ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। पूरे रिएक्शन टर्बाइन में जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रही है मूविंग ब्लेड्स में अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रही है मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड मतलब पूरे स्टेज में इज इक्वल्स टू। अगर मूविंग ब्लेड में जो हीट ड्रॉप हो रही है आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप हो रही है वो डी एच टू है और फिक्स ब्लेड में है डी एच वन, तो फॉर्मूला जो होगा दैट इज आर इज इक्वल टू डी एच टू अपॉन डी एच वन प्लस डी एच टू। डी एच वन एंथैल्पी ड्रॉप इन द फिक्स ब्लेड पर के जी ऑफ स्टीम दैट इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू। वी वन यहाँ क्या था, वी वन यहाँ था एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट और वी टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट दैट इज इक्वल्स टू एच टू माइनस एच वन माइनस एच टू। देन डी एच टू एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड पर के जी ऑफ स्टीम इज इक्वल्स टू वी आर टू स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर अपॉन टू के जी पर किलो जूल पर के जी दैट इज इक्वल्स टू एच टू माइनस एच थ्री। यहाँ वी आर वन जो है वो है रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, वी आर टू रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। जब इनका सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज एच वन माइनस एच थ्री। वर्क डन ऑफ द स्टीम इन द स्टेज यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, तो जो डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए वैल्यू आएगी आर इज इक्वल्स टू वी आर टू स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर अपॉन टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। इन पार्सन रिएक्शन टर्बाइन द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0.5 क्योंकि यहाँ प्रेशर ड्रॉप फिक्स ब्लेड में भी हो रहा है और मूविंग ब्लेड में भी हो रहा है, तो जो ऊपर मूविंग ब्लेड से उसकी जगह 1 और नीचे मूविंग ब्लेड में भी 1 और फिक्स ब्लेड में भी 1 तो सम हो गया उनका 2, तो जो आर हो गई उसकी वैल्यू हो गई 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो जो पार्सन रिएक्शन टर्बाइन है उनकी डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है 0.5। इम्पल्स टर्बाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो सिर्फ फिक्स ब्लेड में होता है, मूविंग ब्लेड में किसी भी तरीके का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। आर इज इक्वल टू 0.5 देन अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 1। दिस मीन्स दैट मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड हैव द सेम शेप। तो यहाँ पर मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड की शेप जो है वो सेम होंगी और किस तरीके की होंगी, नोजल की तरह की। If degree of reaction R is equals to 0, then the turbine is a simple impulse turbine. अगर degree of reaction 0 हो जाए, क्योंकि degree of reaction का formula क्या होता है, pressure drop, heat drop in moving blade upon heat drop in total. Moving blade में तो heat drop या pressure drop होता ही नहीं है, तो 0 upon में value आएगी, तो degree of reaction क्या हो जाएगा, 0. If degree of reaction is equals to 1, then the turbine is pure reaction turbine. और डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 अगर हो जाएगा तो जो टर्बाइन होगा वो क्या होगा, प्योर रिएक्शन टर्बाइन। ब्लेड एफिशिएंसी एंड स्टेज एफिशिएंसी। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द फॉलोइंग अजम्पशन। जब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन है वो जो फाइंड आउट करते हैं तो हम फॉलोइंग अजम्पशंस लेते हैं। द डिग्री ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू 0.5, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है वो 0.5 है, जहाँ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2 एंड अल्फा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 1। यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 स्टीम एंगल है जबकि बीटा 1 और बीटा 2 ब्लेड एंगल है। द फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल। फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड्स जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं। वी 1 इज इक्वल्स टू वी आर 2 एंड वी 2 इज इक्वल्स टू वी आर 1। तो इनका जो वेलोसिटी डायग्राम है वो एग्जिट और इनलेट के लिए सेम बनता है। द काइनेटिक एनर्जी सप्लाई टू द फिक्स ब्लेड पर के जी ऑफ स्टीम इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर अपॉन टू।
काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड टू द मूविंग ब्लेड पर के जी ऑफ स्टीम दैट इज इक्वल टू वी आर टू स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर अपॉन टू. देन टोटल एनर्जी सप्लाइड इन द स्टेज पर के जी ऑफ स्टीम इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी आर टू स्क्वायर माइनस वी आर वन स्क्वायर अपॉन टू. सिंस ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल, चूँकि ब्लेड्स जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, वी वन इजक्वल्स टू वी आर टू एंड वी टू इजक्वल्स टू वी आर वन, तो जो वेलोसिटी ट्राइंगल है उससे वी आर वन स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी वन इंटू यू इंटू कॉस एल्फा. सो टोटल एनर्जी सप्लाइड इन द स्टेज पर के जी ऑफ स्टीम इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी वन यू कॉस एल्फा वन अपॉन टू. तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम जो आएगा वो होगा यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू. वी डब्ल्यू वन और वी डब्ल्यू टू क्या थे? टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट एंड एग्जिट. सो यू वी वन कॉस एल्फा वन प्लस वी आर टू कॉस बीटा टू माइनस यू, और जब इसे सॉल्व करेंगे देन यू इंटू टू वी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू, क्योंकि अल्फा वन इजक्वल्स टू बीटा टू और वी वन इजक्वल्स टू वी आर टू है. देन डायग्राम एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर के जी ऑफ स्टीम अपॉन टोटल एनर्जी सप्लाइड पर के जी ऑफ स्टीम इज इक्वल्स टू यू टू वी वन कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा वन माइनस यू अपॉन वी वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी वन यू कॉस अल्फा वन अपॉन टू. जब इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो जो डायग्राम एफिशिएंसी है उसके लिए जो फॉर्मूला जनरेट होगा दैट इज इक्वल्स टू टू रो टू कॉस अल्फा वन माइनस रो अपॉन वन माइनस रो स्क्वायर प्लस टू रो कॉस अल्फा वन. यहाँ रो क्या था? वेलोसिटी रेशियो दैट इज यू अपॉन वी वन, ब्लेड स्पीड रेशियो. द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन द टर्म वन माइनस रो स्क्वायर प्लस टू रो कॉस अल्फा वन इज मिनिमम. मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तब जब टर्म ये जो है वन माइनस रो स्क्वायर प्लस टू रो कॉस अल्फा वन जो है वो मिनिमम होगा. तो हम क्या करेंगे? उसका डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और जब जीरो पुट करेंगे तो वहाँ से जो रो की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा वन. तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? रो कॉस अल्फा वन पे. तो जो डायग्राम एफिशिएंसी है उसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा वन अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायग्राम एफिशिएंसी फॉर रिएक्शन टर्बाइन. नाउ गवर्निंग ऑफ टर्बाइंस, टर्बाइंस की गवर्निंग. गवर्निंग इज द मेथड ऑफ मेंटेन द स्पीड ऑफ द टर्बाइन कॉन्स्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द टर्बाइन. जो काम फ्लाईव्हील करता है स्टीम टर्बाइन में वही काम गवर्निंग सिस्टम करता है. उसकी जो वेलोसिटी है उसे मेंटेन रखता है भले ही लोड में कितना भी फ्लक्चुएशन आता रहे. अ गवर्नर इज यूज फॉर अचीविंग दिस पर्पज, और इसके लिए गवर्नर लगाया जाता है विच रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ स्टीम टू द टर्बाइन इन सच ए वे दैट स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज मेंटेन एज फार एज पॉसिबल अ कॉन्स्टेंट अंडर वेरिंग लोड कंडीशन. जो गवर्नर होता है उसका क्या काम होता है कि जो सप्लाई ऑफ स्टीम है या जो लोड ऑफ स्टीम है उसे मेंटेन रखता है, कॉन्स्टेंट रखता है इस तरीके से कि जो टर्बाइन की जो स्पीड है वो भी मेंटेन रहे चाहे उस पर वेरिंग लोड कंडीशंस अप्लाई हो रहे हों. कौन कौन से गवर्निंग ऑफ स्टीम गवर्निंग मेथड हैं स्टीम टर्बाइन के लिए? दैट इज थ्रोटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग या इनमें से किसी के भी कॉम्बिनेशन. किसी भी स्टीम टर्बाइन में जो लॉसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दे आर रेजिडुअल वेलोसिटी लॉस, लॉसेज इन रेगुलेटिंग वॉल, लॉस ड्यू टू स्टीम फ्रिक्शन इन नोजल, लॉस ड्यू टू लीकेज, लॉस ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन,
लॉस ड्यू टू वेटनेस ऑफ स्टीम एंड रेडिएशन लॉस, इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन इन स्टीम टर्बाइन। ब्लेड में फ्रिक्शन का स्टीम टर्बाइन पर क्या असर पड़ता है? इसमें जो सीधी क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप आनी चाहिए थी उतनी हीट ड्रॉप आती नहीं है, उससे कम आती है। ओवरऑल एफिशिएंसी एंड रीहीट फैक्टर। रीहीट फैक्टर में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप टू द एडियाबेटिक हीट ड्रॉप इन ऑल स्टेजेस ऑफ टर्बाइन। रीहीट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप अपॉन एडियाबेटिक हीट ड्रॉप। द वैल्यू ऑफ हीट रीहीट फैक्टर डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन। जो रीहीट फैक्टर की वैल्यू जो है वो टाइप एंड एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन पर डिपेंड करती है, जबकि एवरेज वैल्यू जो होती है दैट इज 1.05। ओवरऑल एफिशिएंसी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप टू द टोटल हीट सप्लाइड। टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप जितना काम आ रहा है अपॉन टोटल हीट सप्लाइड उसमें जितना होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल हीट एफिशिएंसी। दीज आर ऑल अबाउट रिएक्शन टर्बाइन। थैंक यू।